देश के कुछ राज्यों में महिलाओं के प्रति जो अत्याचार दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ी वो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण भी हैं, चिंताजनक भी हैं, क्योंकि कानून व्यवस्था राज्य की जिम्मेदारी है। और बहुत सारे राज्यों में देखा गया कि बहुत कुछ घटने के बाद भी कोई उचित कदम नहीं उठाए गए, और ऐसी घटनाएं मानवता को शर्मसार भी करती हैं। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक चश्मे से ही सब चीजों को देखते हैं। अब एक और नारी अस्मिता बिहार में तार तार है। नीतीश तेजस्वी के चश्मे से बिहार में बाहर ही बाहर है। उनको वहां पर बेगूसराय में जो घटा वो आप सबके सामने है, लेकिन मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री की तरफ से एक शब्द ना आना ये दिखाता है कि महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ भी रहा है और अपराध करने वाले को संरक्षण भी मिलता है। एक और राजस्थान है जो टूरिज्म की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत खूबसूरत राज्य है, संस्कृति बहुत, और राजस्थान में टूरिस्ट इतने आते हैं कि उसके कई कारण हैं। बहुत अच्छा सब कुछ था, लेकिन 5 वर्षों में राजस्थान कहां पहुंच गया? और जब वहां पर महिलाओं के प्रति कितनी घटनाएं दुष्कर्म की, अत्याचार की, अपराध की हुई, एक शांत राज्य, सुरक्षित राज्य पिछले 5 वर्षों में नंबर 1 महिला अपराध में बन गया है। 1,09,000 महिला अपराध की घटनाएं पिछले 4 वर्षों में, 33,000 महिलाओं के साथ दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में, 22% देश की महिला दुष्कर्म की घटनाएं राजस्थान में। ये अपने आप में राजस्थान को नंबर 1 महिला अपराध में बनाता है, और कुल मिलाकर लगभग 10,00,000 से ज्यादा आपराधिक घटनाओं को रजिस्टर किया गया। अब प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि महिलाओं पर अपराध की घटनाओं पर राज्यों को कड़े कदम उठाने चाहिए, और सोनिया जी और राहुल गांधी जी के आदेश पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने कड़े कदम उठाए और अपने ही एक मंत्री को बर्खास्त कर दिया। बर्खास्त इसलिए किया कि राजेंद्र गुड़ा जी ने राजस्थान के हालात पर चिंता व्यक्त की कि दूसरे राज्यों को छोड़ के राजस्थान में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी चिंता की जाए, चर्चा की जाए, और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के आदेश पर उसको ही बर्खास्त कर दिया। और उन्होंने क्या कहा राजेंद्र सिंह गुड़ा जी ने कि विधानसभा में मैं सीएम से 1-on-1 जवाब मांगूंगा, और बड़ी बात यह कही है, किसी और ने नहीं, जो 4.5 साल राजस्थान की सरकार में, अशोक गहलोत जी की सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने कहा प्रदेश में सीएम का इकबाल खत्म हो गया है। ये बहुत बड़ी बात है। एक जो आपका मंत्री 4.5 साल आपके साथ रहा, उन्होंने कहा राजस्थान में अराजकता का माहौल है। सीएम विधानसभा में आते हैं, ना आते हैं ना जवाब देते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा जी, ये राजस्थान में कांग्रेस के मंत्री ही अपने मुख्यमंत्री से सवाल खड़े करते हैं। देश विदेश की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल रोशनी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा।